जब हम और आप लोग यहां पर सभा कर रहे हैं, ये दूसरे चरण का चुनाव है और पहले चरण में मतदान हो रहा है। जो पहले चरण से खबरें आ रही हैं, उससे महसूस हो रहा है कि इस बार पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया करने जा रही है। और लग तो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पहला शो ही फ्लॉप हो गया है। न केवल इनका शो फ्लॉप हो गया है, बल्कि इनके घिसे पिटे डायलॉग भी जनता सुनना नहीं चाहती है। जो अब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग कहानी बना रहे थे, वो कहानी भी अब कोई सुनना नहीं चाहता है। और इधर पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की जो पहचान बनी है, वो झूठ और लूट की बनी है। शायद इतना झूठ किसी राजनीतिक दल ने नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने बोला है। और महसूस ये हो रहा है कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। मुझे खुशी है इस बात की कि इस बार डॉक्टर के मुकाबले में डॉक्टर खड़े हैं। मुझे तो कुछ लोग ये बता रहे थे कि आप इस इलाके में इसलिए हार रहे हो क्योंकि आप किसी डॉक्टर के मुकाबले कोई डॉक्टर तैयार नहीं कर पाए हो। मैं पार्टी के सभी साथियों का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक ऐसे डॉक्टर को तैयार किया है जो भविष्य की आने वाली पीढ़ी का भी इलाज करते हैं। इसलिए डॉक्टर के मुकाबले में डॉक्टर। और ये विधानसभा तो वो विधानसभा है जो रिकॉर्ड बना सकती है। ये विधानसभा तो ऐसा रिकॉर्ड बना सकती है कि अगर हम पिछले चुनाव के वोट देखें तो यहां पर जनता ने लगभग 1 लाख वोट दिया था। अब तो मैं सरों पर सम्मान और पगड़ी देख रहा हूं। जो परंपरागत कहीं और वोट डालते थे, इस बार मैं इनकी राजनीतिक चेतना का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि पगड़ी और सम्मान के साथ इस बार साइकिल की मदद करने जा रहे हैं। ये 10 साल बाद बीजेपी के लोग आपसे वोट मांगने आ रहे हैं और इनके होर्डिंग देख लो, जो डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहते हैं, दूसरा चेहरा होर्डिंग से गायब है। जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हैं गाजियाबाद में, नोएडा में या देश के कोने कोने में, कहने के तो डबल इंजन सरकार है लेकिन एक चेहरा है, दूसरा चेहरा गायब है। और जब वोट डालेंगे यहां के लोग तो जो चेहरा अकेला होर्डिंग पे दिखाई दे रहा है वो भी गायब हो जाएगा। और इस बार तो गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक सफाया होने जा रहा है। ये सरकार बचेगी कैसे? कैसे बचेगी सरकार? इंडिया गठबंधन इस बार इनके मुकाबले के लिए तैयार है। मैं जानता हूं बहुत से लोग ये चाहते थे गठबंधन हो जाए, गठबंधन की इच्छा रखते थे। कुछ लोग बोल नहीं पाते थे, दिल ही दिल में रखते थे कि गठबंधन हो जाए। बताओ, समाजवादियों ने आपके दिल की बात की है कि नहीं की है?
और गठबंधन में केवल कांग्रेस समाजवादी पार्टी नहीं, अब तो आप पार्टी भी आ गई है झाड़ू मारने के लिए। मैं अपने तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, ये चुनाव जहां किसान और नौजवान के भविष्य का है, वहीं ये चुनाव संविधान को बचाने का भी चुनाव है, ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का भी चुनाव है, ये चुनाव हमारे आपके भविष्य के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। इसीलिए हम लोगों ने गठबंधन बना करके इस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने का काम किया है, और जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, जिस तरह का सहयोग मिल रहा है, और कई ऐसे समाज के लोग निकल पड़े हैं सरकार को हराने के लिए, हराने के लिए निकल पड़े हैं, और हर तरफ इनके खिलाफ पंचायतें हो रही हैं, खुलकर के लोग इनके खिलाफ आ गए हैं। और ये जो डबल इंजन की सरकार है, इस चुनाव में केवल एक सरकार नहीं जाएगी, एक वोट डालोगे लोकतंत्र संविधान तो बचेगा बचेगा, दो दो सरकारें चली जाएंगी, ये रोक नहीं पाएंगे। ये जो दिल्ली वाले हैं, कभी कभी बड़ी बातें करते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर दिल्ली वाले बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं तो लखनऊ वाले भी पीछे नहीं हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी और अपराधी, अगर आप आंकड़े निकालोगे 10 साल के, हम जानते हैं यहां पर बड़ी बड़ी गोदामें बन गई हैं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी सभी भ्रष्टाचारियों की गोदाम बन गई है, सभी अपराधियों की गोदाम बन गई है। ये जितने भी अपराधी हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, अगर कहीं जगह मिल रही है तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी में जगह मिल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों की और अपराधियों की गोदाम बनकर के रह गई है, और कोई दूसरा काम नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी। इसलिए मैं आपसे इस समय पर निवेदन अपील करने आया हूं कि पहली बार ये लोकसभा इतिहास बनाने जा रही है। ये जो सांसद चुने गए भारतीय जनता पार्टी के, क्या कोई काम बता पा रहे हैं, या आपके भविष्य को बेहतर करने के लिए कोई काम किया उन्होंने? तो ऐसे सांसद को चुनने से क्या फायदा है, क्या फायदा है ऐसे सांसद को? और जब इतना बड़ा इंडिया गठबंधन बन गया हो तो बताइए, डॉक्टर हमारे हैं, इनकी मदद करोगे कि नहीं करोगे? और इस बार तो लग रहा है कि नोएडा भी इतिहास बनाने जा रहा है, मेरठ भी इतिहास बना रहा है, और जो पहले चरण का चुनाव चल रहा है, आप लोग तो सब मोबाइल वाले हैं, सब जानकारी कर रहे होंगे, परिचित भी लोग हैं। बताओ, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में हवा चल रही है कि नहीं चल रही है? इसलिए जब वोट पड़े तो एक भी वोट बट नहीं पाए, सबका सब वोट पड़ना चाहिए। चूकेंगे तो नहीं आप लोग? ये नोएडा वाले तो नहीं चूकेंगे, ये जो सामने दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे हमारे जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता सामने और बाईं तरफ खड़े हैं, आप लोग गलती तो नहीं करोगे? इससे बेहतर समीकरण क्या हो सकता है, बताओ आप? इस बार समीकरण अच्छा है कि नहीं है? समीकरण है अच्छा? और सब लोग वोट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? इसलिए याद रखना, समाजवादियों ने बहुत काम करके दिखाए थे, आज भी लोग याद करते हैं कि समाजवादियों ने जो काम उपलब्धियां उस समय की थी। इसलिए सब लोग मिलकर के हमारे डॉक्टर महेंद्र नागर जी के पक्ष में वोट डाल देना, एक एक वोट दे करके इन्हें जिताने का काम करना, यही निवेदन, यही अपील मैं आपसे करने आया हूं। आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं, और अपनी टैटू टीम का भी बहुत बहुत आभार कि जो एक नई तरह की नई टीम बना करके निकले हैं। हमें पूरा भरोसा है
कि जो इंडिया गठबंधन बना है नई उम्मीदों के साथ, हमारा मिलीजुली संस्कृति को मजबूत करने वाला, हमारा इंडिया गठबंधन भाईचारे को आगे बढ़ाने वाला, हमारा इंडिया गठबंधन देश को आगे ले जाने वाला और दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए भारत को आगे बढ़ाने वाला काम हम लोग मिलकर के करेंगे। हमें पूरा भरोसा है हमारे किसान भाइयों पर, नौजवानों पर और आई हुई जनता पर कि सब लोग मिलकर के डॉक्टर महेंद्र नागर जी को वोट देकर के जिताने का काम करेंगे। और हमारे जो पगड़ी पहन करके बड़ी संख्या में लोग आए हैं, मैं इनका भी आभारी हूं कि इन्होंने अपना सम्मान सर पर रख करके ये तय कर लिया है कि अगर किसी के सर पर पगड़ी इस बार पहुंचेगी तो डॉक्टर महेंद्र नागर जी के सर पर पगड़ी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको।